के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, दैट व्हाट इट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर. बिफोर अंडरस्टैंडिंग बोथ ऑफ दीज, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देम, बट वी गेट अ ओवरव्यू हेयर दैट व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज प्रोटॉन एंड व्हाट इज न्यूट्रॉन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये हमें पता है. लेकिन किस अरेंजमेंट से होते हैं हमें ये पता होना चाहिए. इन अ सेंटर दिस प्रेजेंट न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर प्रेजेंट नंबर ऑफ शेल्स विच कंटेन द इलेक्ट्रॉन, वेयर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट साइड द न्यूक्लियस. ठीक है, अब ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं. अब उनके बेसिस पे किसी भी एटम का जो होता है वो मास नंबर होता है या एटॉमिक नंबर होता है. अब एटॉमिक नंबर क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं. एटॉमिक नंबर को सबसे पहले इंडिकेट हम करते हैं जेड से. जहाँ भी जेड लिखा हुआ आप समझ जाएँ कि उस नंबर के उस एटम के एटॉमिक नंबर की बात हो रही है. ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर. यानी किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं हम उसको उसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे. ठीक है, ये बात क्लियर है. अब एक बात जहन नशीन कर लें कि कोई भी न्यूट्रल एटम वो के लाइक अगर हाइड्रोजन है, ये न्यूट्रल एटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है. पॉजिटिव और या नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे या किसी से ले. अगर इसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो अगर इस पर ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो ये इसका मतलब इसकी न्यूट्रल स्टेट नहीं है, ये इसकी आयोनिक स्टेट है. और ये कब होगी? जब ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे या ले. लेकिन अगर ये इस स्टेट में नहीं है, ना इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है ना इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, ये अपनी न्यूट्रल स्टेट में, तो हर एटम की न्यूट्रल स्टेट में उसके जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. ये बात याद रखने की, गौर से सुनिएगा कि इन एनी न्यूट्रल एटम वो के ऐसी स्टेट उसकी ना उसमें उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना उसने उस स्टेट में किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है. तो ऐसी स्टेट में किसी एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, सो दिस इज एटॉमिक नंबर. अब फॉर सपोज मैं कार्बन की बात कर रही हूँ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये इस सेंटेंस ने मुझे क्या बात बताई कि कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं. जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, बट बशर्ते ये कि वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में हो. फॉर सपोज कार्बन पॉजिटिव है, यानी कि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो अब क्या होगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज शोस के इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो अब मैं क्या कहूँगी कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक की डेफिशिएंसी है, एक दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है. तो एटॉमिक नंबर को हम हमेशा कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. ऑल्दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पता नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर जो होते हैं शेल्स में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम अपना दे सकता है ले सकता है, लेकिन प्रोटॉन कोई भी एटम अपना नहीं दे सकता ना ले सकता है, क्योंकि प्रोटॉन रिसाइड करते हैं न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, ये बात कह रहे हैं दैट व्हाट इज एटॉमिक नंबर. अब आ जाए मास नंबर पे, दैट व्हाट इज मास नंबर. द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को बोलते हैं हम मास नंबर. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों के सम को हम बोलेंगे कि उस एटम का मास नंबर है. अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है कि सोडियम का मास नंबर क्या है? 23 है, क्योंकि इसमें 11 न्यूट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं, तो इन दोनों का अगर हम सम कर लें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का 11 + 11 = 23. ठीक है, अच्छा, अब जबकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो जो है वो 11 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं? 11 पाए जाते हैं. तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में सिर्फ फ़र्क है, दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है. और इसकी डोनेशन हमेशा ए से होती है. अगर मैंने किसी भी कंपाउंड के आगे ए लिखा हुआ है तो यानी कि मैं उसके मास नंबर की बात कर रही हूँ, या किसी कंपाउंड के आगे जेड लिखा हुआ है तो मैं उसके एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ. यहाँ तक बात क्लियर है?
that what is atomic number and what is mass number. So this was all about the atomic number and mass number, the number of protons, the number of neutrons plus protons. Thank you.